हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिसेस ज्योति राणा एंड आई डील विद द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड माय टुडेज टॉपिक इज डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। डिस्चार्ज का मीन्स होता है टू सेंट अवे और टू रिलीज। टू सेंट अवे और टू रिलीज मीन्स कि पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए आया था, अब उसकी रिकवरी हो गई है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, या फिर पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो आपका डिस्चार्ज के अंदर आएगा। मीन्स जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, चाहे वो अपने घर जाए या फिर वो अदर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए किसी अदर हॉस्पिटल में शिफ्ट होगा, तो वो डिस्चार्ज के अंदर ही आएगा। अब टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज में आपके मेनली थ्री टाइप्स के डिस्चार्ज होते हैं। फर्स्ट है प्लान डिस्चार्ज, प्लान डिस्चार्ज। प्लान डिस्चार्ज का मीन्स है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि पेशेंट को कब घर भेजना है या हॉस्पिटल से रिलीज करना है, वो प्लान डिस्चार्ज के अंदर आएगा। सेकेंड है लामा और एप्सकॉन। लामा का मीन्स होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का मीन्स है कि जो डॉक्टर है उसने पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन पेशेंट और उनके रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर की मर्जी के अगेंस्ट जाकर पेशेंट को डिस्चार्ज कराते हैं, तो वो लामा के अंदर आता है। एप्सकॉन का मीन्स है कि पेशेंट विदाउट इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल से चला गया है बिना किसी को बताए, तो वो एप्सकॉन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है रेफरल और ट्रांसफर। रेफरल और ट्रांसफर का मीन्स है कि हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं किसी अदर हॉस्पिटल में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आया है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसकी कंडीशन अगर सीरियस हो जाती है या फिर उसको उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड या पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो हॉस्पिटल क्या करता है, हॉस्पिटल किसी हायर सेंटर के लिए पेशेंट को डिस्चार्ज कर देगा या ट्रांसफ़र कर देगा या रेफर कर देगा, वो रेफरल के या और ट्रांसफ़र के अंदर आएगा। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मीन्स है कि पेशेंट को दोबारा से हेल्दी वाली कंडीशन में लेकर आना है, उसे फिजिकली और मेंटली, सोशली, वोकेशनली हर तरीके से क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है, ताकि वो अपनी जो भी अपनी स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कर सके। जो रिहैबिलिटेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली फोर टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें फर्स्ट है टू रिटर्न द दोज एबिलिटीज विच हैव बीन अफेक्टेड बाय इलनेस, यानी कि पेशेंट की उन एबिलिटीज को हमने क्या करना है, दोबारा से रिस्टोर करना है जो कि इलनेस की वजह से या जो भी डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से अफेक्ट हुई हैं। सेकेंड है टू प्रिवेंट फर्दर डिसेबिलिटी, मीन्स जो भी इलनेस है उसकी वजह से पेशेंट की जो फर्दर एबिलिटीज है या आपका जो भी उसकी अभी तक की एबिलिटीज जो भी उसकी डिस्टर्ब हुई हैं, हमें उसे वहीं तक ही रोकना है, उसकी फर्दर एबिलिटीज को जो है वो हमने जो है डिस्टर्ब नहीं होने देना है। नेक्स्ट है आपका टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि जो पेशेंट की प्रेजेंट एबिलिटी है ना, जो भी हम उसको टास्क दे रहे हैं वो उसने परफॉर्म करने है, उसकी प्रेजेंट एबिलिटीज को हमने क्या करना है, स्टोर करके रखना है या उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। मीन्स हमें उसे छोटे छोटे उसके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उसको छोटे छोटे टास्क जो है वो हमने प्रोवाइड करने हैं, जिससे कि क्या हो सकेगा, वो अपनी एबिलिटीज को क्या है, स्टोर करके रख सकता है।
नेक्स्ट है टू असिस्ट द क्लाइंट टू यूज हिज एग्जिस्टेंस एबिलिटीज, यानी कि उसकी जो एग्जिस्टेंस मीन्स अभी उसकी जो कैपेसिटी है, हमें उसकी उस कैपेसिटीज कैपेसिटी को क्या करना है, यूज़ करना है, जिससे कि पेशेंट जो है वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो डेली टास्क है, वो परफॉर्म कर सके। तो ये रिहैबिलिटेशन के मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्लानिंग फॉर द डिस्चार्ज में फर्स्ट है फिक्स द डे, मीन्स एक पर्टिकुलर डे फिक्स करके हमें पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए प्लान करना है, उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है। सेकंड है हमें पेशेंट के रिलेटिव को आफ्टर डिस्चार्ज जो भी प्रोसीजर्स कंटिन्यू होंगे उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, या उन इन्फॉर्म करना है और उनको बताना है और उनको सिखाना है। थर्ड है पेशेंट के ट्रीटमेंट आफ्टर डिस्चार्ज जो भी उसका ट्रीटमेंट चलेगा उसके डाइट प्लान के बारे में और उसके एक्सरसाइज के बारे में हमें पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है, पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। जो भी प्रोसीजर्स आफ्टर डिस्चार्ज होंगे वो हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर, यानी कि जो भी प्रोसीजर है वो हमने उनके सामने परफॉर्म करके दिखाने हैं, ताकि वो घर जाकर पेशेंट पे वो प्रोसीजर्स क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। फिर लास्ट वन है कि चेक द पेशेंट रिएक्शन। चेक द पेशेंट रिएक्शन का मीन्स है कि हमें पेशेंट के रिएक्शन को देखना है। जब हम उसको इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होने वाला है, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग रिएक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो कि खुश होंगे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें घर जाकर वो बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें पेशेंट के रिएक्शन को चेक करना है कि वो लोग खुश हैं या फिर वो जो है खुश नहीं हैं। नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग का मीन्स है कि जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है या क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। फर्स्ट है विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की परमिशन के साथ ही या डॉक्टर की एडवाइस पे ही हम पेशेंट को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। सेकेंड है इन्फॉर्म रिलेटेड ट्रीटमेंट, यानी कि हमें पेशेंट के रिलेटिव को उससे जो भी आफ्टर डिस्चार्ज ट्रीटमेंट चलेगा उस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है, उस डाइट प्लान के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है और एक्सरसाइज के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है हैंड ओवर द वैल्यूबल्स, यानी कि पेशेंट की जो भी वैल्यूबल्स हैं, यानी कि जो भी हमने उनके क्लॉथिंग्स रखी थी या जो भी ऑर्नामेंट्स रखे थे, वो पेशेंट के रिलेटिव को हैंड ओवर देने हैं, हैंड ओवर करना है, वो हमने काउंट करना है और उनसे रिसीविंग लेनी है। नेक्स्ट है चेक द हॉस्पिटल आइटम, यानी कि हमें पेशेंट को क्रॉस चेक करना है कि हॉस्पिटल का कोई भी आइटम या कोई भी आर्टिकल्स उनके पास तो नहीं चला गया, अगर ऐसा है तो हमें वो वापस रिसीव करना है। नेक्स्ट है बिलिंग, मीन्स जब पेशेंट हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल से जाएगा या डिस्चार्ज होगा, तो हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद में लास्ट में चेक करना है कि उसने जो भी हॉस्पिटल का पेमेंट है वो प्रॉपरली वो उसने पे करा है या नहीं करा है। नेक्स्ट है मेंटेन हाइजीन। मेंटेन हाइजीन का मीन्स है कि पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर जाएगा तो हमें उसकी उस टाइम पे भी हाइजीन को मेंटेन करना है, उसको प्रॉपरली बाथ जो है वो प्रोवाइड करनी है और उसकी हेड टू टो केयर करनी है, देन उसके बाद उसको क्लीन क्लॉथ पहनाकर ही डिस्चार्ज करना है। लास्ट वन है इन्फॉर्म द अदर डिपार्टमेंट। इन्फॉर्म दी अदर डिपार्टमेंट्स का मीन्स है कि जो भी अदर डिपार्टमेंट्स है, जैसे डाइट डिपार्टमेंट हो गया या फिर आपका जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज होके चला गया। तो आज हमने देखा डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, इसमें हमने रिहैबिलिटेशन देखा, फर्स्टली टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, सेकेंड रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन के बाद में डिस्चार्ज जो है वो आपका प्रोसीजर, देन डिस्चार्ज प्लानिंग। तो ये आपका एडमिशन ऑफ द क्लाइंट और डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट जो है वो
टॉपिक हमने कवर करा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।